नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त प्रणदत्त। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी 125 के बारे में। आज आपको चार्ट पर पूरी प्रक्रिया बताएंगे कि सीआरपीसी 125 के बाद में किस तरीके से गलत तरीके से आदेश दिया जाता है और कौन कौन सी ऐसी गलतियां की जाती हैं जिनको हम आज भी समझ नहीं पाते हैं, पर हमारे खिलाफ में वसूली वारंट जारी कर दिए जाते हैं। कोर्ट किस तरीके से आपकी पत्नी के वाद को नजरअंदाज करता है, उसके तथ्यों को नजरअंदाज करता है और एक पक्षी आदेश पति के विरुद्ध में पारित कर देता है और इसमें पति को भारी नुकसान चुकाना पड़ता है। आज हम इसी पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें कि एक पक्षी रूप से आदेश दिए गए भरण पोषण के, और उसमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी ऐसी त्रुटियां हैं जिनको हम कभी अपने सामने लाते ही नहीं, हम सोचते ही नहीं कि आखिर में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। कोई भी महिला, बेशक आपकी विधिक पत्नी है, वो आपकी पत्नी है, लेकिन अगर आप झूठ बोल के अगर न्यायालय में अगर कोई आदेश प्राप्त करना चाहते हैं, कपट पूर्वक कोई आदेश प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये दंडनीय अपराध भी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी चलेगा, क्योंकि रजनीश वर्सेस नेहा के एडवाइजरी में बहुत सारी चीजें कही गई है और स्पष्ट तौर पर गाइडलाइंस जारी की गई हैं। पारुल गुप्ता वर्सेस गौरव गुप्ता के केस में कहा गया है कि जजेज जो है वो रजनीश वर्सेस नेहा के जो आदेश को सही तरीके से कॉम्प्लायंस नहीं कर रहे हैं। रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है उसमें सारी तरीके से सारी चीजें उसमें मेंशन की गई, पूरा ओपन करके रख दिया है हर चीज को कि नया केस होगा, नए केस के साथ में ये एफिडेविट दाखिल करना है, अगर आप एफिडेविट दाखिल नहीं करेंगे तो ये केस जो है ना वो निरस्त कर सकते। लेकिन कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उस पर संज्ञान नहीं लेती, एफिडेविट दाखिल हो जाता है, उसके 4 हफ्तों के अंदर ना पति पक्ष को अपना एफिडेविट दाखिल करना पड़ता है, जिसके लिए न्यायालय जो है ना वो आदेश करती है कि 4 हफ्ते के अंदर अपना एफिडेविट दाखिल करो, उसी हिसाब से डेट लगानी चाहिए। ये पूरी तरीके से कंटेम्प्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। अदालतें क्या कर रही हैं, ना तो रजनीश वर्सेस नेहा के केस में जो प्रारूप जारी किए गए हैं, 3 अनिच्छेद जो जारी किए गए, उनका भी साफ तरीके से वायलेशन हो रहा है। कोई 4 पन्ने का एफिडेविट लगा रहा है, कोई 5 पन्ने का एफिडेविट लगा रहा है, कोई 11 पन्ने का एफिडेविट लगा रहा है, जबकि उसमें 3 एफिडेविट है, 3 अनिच्छेद है, तीनों अनिच्छेदों को ओथ होना चाहिए और दाखिल होना चाहिए और 4 हफ्ते के अंदर में विपक्षी को यानी पति को मौका देना चाहिए कि अपना जो रिलायबिलिटी असेट्स जो है वो अपना सर्टिफिकेट अपना लगाए आगे, अपना एफिडेविट अपना दाखिल करे आगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जाता। जब न्यायालय एक पक्षी आदेश करने के लिए जब तैयार होती है कि हाँ हमें एक पक्षी आदेश करना है, एक पक्षी सात शपथ पत्र में दे दिया गया है, तो आइए अपना रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट दाखिल कर दीजिए, ये पूरी तरीके से कंटेम्प्ट हो जाता है। तो ये केस ऐसी स्थिति में चलना ही नहीं चाहिए। आज हम आपको समझाएंगे पूरी तरीके से कि सीआरपीसी 125 के बाद में किस तरीके से कहाँ कहाँ गलतियां होती हैं। अगर आपके केस में अगर इस तरीके की गलतियां अगर हुई हैं तो आप उसको अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं। देखो, तो जब आपकी पत्नी सीआरपीसी 125 भरण पोषण के लिए जब दावा पेश करती है तो न्यायालय क्या करता है, सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो संबंध प्रक्रिया को फॉलो करे। अब संबंध प्रक्रिया क्या रहती है, संबंध प्रक्रिया में आप देखना कि जैसे ही बात दाखिल होता है उसके बाद में अदालत संबंध प्रक्रिया के लिए सीधा कह देती है कि भैया पुलिस के मार्फत, थानाध्यक्ष के मार्फत, थानाध्यक्ष के मार्फत या फिर पुलिस अधीक्षक के मार्फत नोटिस प्रेषित किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। जो वादी मुकदमा है यानी आपकी पत्नी है वो क्या करती है, वो समन डाक से भेज देती है और उसकी जो प्रॉपर जो फीस है वो वहां पे कोर्ट में तलवाना के रूप में दाखिल कर देती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पुलिस के लिए जो आदेश किया गया था, ये पूरी तरीके से जो पुलिस के लिए आदेश किया गया था ये यहाँ पे वॉयलेट हो जाता है। यानी कि जो न्यायालय ने जो आदेश दिया है समन प्रक्रिया में वो पुलिस के लिए किया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इन्होंने डाक से समन भेज दिया, उसकी डाक डाक की जो स्लिप है वो चिपका दी और इसमें जो उसकी जो तलवाना की जो फीस है वो उसमें लगा दी कि भैया आपने समन भेज दिया। तो यहाँ पे जो न्यायालय ने समन प्रक्रिया के लिए जो आदेश पारित किया है वो डाक से नहीं किया है, यहाँ पे पुलिस के लिए किया है। तो यहाँ पे जो पुलिस का जो आदेश होता है पूरी तरीके से वो यहाँ पे वॉयलेशन कर जाता है। तो यहाँ जो प्रक्रिया है ना ये वॉयलेट कर जाती है पहली बार, ठीक है, यहीं से आपका केस गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद में हम इस चीज को गौर नहीं करते, हम सोचते हैं कि अरे हमारे पास सम्मान आ गया, हमें अपना कॉपी रिसीव करनी है,
कॉपी रिसीव करने के बाद में हमें क्या करना है, अपना जवाब दाखिल करना, ठीक है। लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं, संबंध प्रक्रिया जो फॉलो करी गई, जो न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वो पुलिस के लिए किया था कि पुलिस के मार्फत ही नोटिस संबंध जारी किए जाए। लेकिन विपक्षी जो आपकी जो पत्नी है वो क्या करती है, वो डाक से भेज देती है उसकी तलवाना की चीज। तो ये बात पहली बात। दूसरा ये है कि इन सारी चीजों को नजरान दाज करते हुए यहाँ पे आपका क्या होता है कि केस जो है वो पूरी तरीके से डिसमिस होने की प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि जो पुलिस के लिए जो आदेश किया गया था उस आदेश को कॉम्प्लाई नहीं कराया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि सीआरपीसी 125 की जो कार्रवाई है, सीआरपीसी का चैप्टर जो 9 है ना, वो पूरी तरीके से सिविल प्रक्रिया पे है और फैमिली कोर्ट एक्ट जो है 1984 उसके अधीन से चलता है, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है कि चलो ठीक है, पुलिस के थ्रू ये कॉम्प्लायंस हो रहा है, हो गया। इसी स्टेज पर आप चाहो तो इस बात को खारिज कराने के लिए ऑर्डर 9 रूल 5 के तहत में आप प्रक्रिया कर सकते हैं। फैमिली कोर्ट एक्ट के को यूज करते हुए, सीपीसी को यूज करते हुए आप यहाँ पे आप इसको कैंसिलेशन के लिए मान सकते हैं, या फिर सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो संबंध प्रक्रिया जो है ना, जहाँ न्यायालय ने ये कोई आदेश नहीं किया है कि भैया आप जो संबंध भेजो वो डाक के थ्रू भेजो, ठीक है। उसके बाद में जवाब दाखिल हो जाता है, जवाब दाखिल करने के बाद में बहस का मौका आता है। अब यहाँ पे बात आती है 125 साक्ष्य की। ये जो 125 साक्ष्य के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है कि 125 साक्ष्य क्या है, कि ये 125 साक्ष्य जो है वो वही कथन होते हैं जो वाद के साथ में किए जाते हैं, ठीक है। 125 साक्ष्य जो है ना वो पूरी तरीके से एक औपचारिक साक्ष्य है, उसको पुख्ता साक्ष्य नहीं कहा जा सकता। और औपचारिक साक्ष्य इसलिए है क्योंकि इसका मौखिक परीक्षण होना बहुत जरूरी। तो यहाँ अदालत क्या करती है कि वाद पत्र के कथन में यहाँ जो बहस हुई है, इसमें जो उसने पीडब्ल्यू बन के जो बयान दिए हैं उन्हीं को मौखिक साक्ष्य मानते हुए इस 125 साक्ष्य के शपथ पत्र के समर्थन में वो 125 आदेश पारित कर दिया। जबकि यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई 125 आदेश 125 शपथ पत्र जब दाखिल किया जाता है तो वहां पे जो विपक्षी यानी जो पति है उसको अवसर देना चाहिए। यहाँ न्यायालय क्या करती है, यहाँ पे पति को आपत्ति देने का कोई अवसर नहीं देती, और जब तक कोई अवसर ना दिया जाए, जब तक कोई इस पे आपत्ति ना दाखिल की जाए, तब तक इसको पूर्णतया साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता। जैसा कि मैंने बताया था सीआरपीसी 296/2 और फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 16(2) के तहत में इस औपचारिक साक्ष्य के बारे में पूरा उल्लिखित किया गया है कि इस पे अगर विपक्षी अगर अपनी आपत्ति देता है तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि इसमें जो कथन किए गए हैं इसकी सत्यता की जांच की जाए। उसके बाद में आदेश हो जाता है 125 आदेश। तो यहाँ पे त्रुटियां कौन कौन सी हुई, पहली त्रुटि ये हो गई, पहली त्रुटि ये हो गई, दूसरी त्रुटि ये संबंध प्रक्रिया में हो गई, और तीसरी त्रुटि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया रंजीत वर्सेस स्नेहा के गाइडलाइंस में ये स्पष्ट तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है और जितनी भी इंडिया के अंदर हाई कोर्ट है, सबको डायरेक्शन इशू किए गए हैं और हाई कोर्ट ने अपनी अधीनस्थ अदालतों के लिए डायरेक्शन इशू किए हुए हैं। उसमें सब बोला है कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो शपथ पत्र है वो तो पूरी तरीके से कॉम्प्लायंस कराया जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट में क्या कहा गया है कि जो वाद 4 नवंबर 2020 के बाद में जो दाखिल हो रहे हैं ना, उन वादों के साथ में दाखिल किया जाना चाहिए, और जो वाद पहले से चल रहे हैं जो विचाराधीन है उनमें तत्काल प्रभाव से इसका इफेक्ट किया जाना चाहिए, इसको दाखिल किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रजनीश वर्सेस नेहा का जो एफिडेविट है उसको पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जाता है। और जब इस तरीके की चीजें सामने आने लगी तो पारुल गुप्ता वर्सेस गौरव गुप्ता के केस में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और एडवाइजरी जारी की कि किसी भी तरीके से इसको वो कराया जाए, कॉम्प्लायंस कराया जाए। तो यहाँ पे जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से वायलेट हो जाती है और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है यहाँ पे कंटेंट हो जाता है। इसी आदेश के वॉयलेशन पे आप चाहो तो आप कंटेंट की कार्रवाई भी कर सकते हो। दूसरी चीज है रजनीश वर्सेस नेहा, इसमें क्या कि 3 अनिश्चय जारी किए गए हैं, लेकिन कोर्ट क्या करती है, 4 पन्ने का 5 पन्ने का 6 पन्ने, जबकि इसमें स्पष्ट तरीके से ये कहा गया है कि अगर आप किसी भी तरीके का कोई भी मॉडिफिकेशन इसमें अगर करना चाहते हैं तो आपको शीर्ष अदालत से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस तरीके की कोई भी परमिशन नहीं ली जाती, इसलिए ये जो 125 आदेश जो है पूरी तरीके से गलत हो जाता है। पर इसी आदेश के मुताबिक क्या किया जाता है, सीआरपीसी 125(3) में वसूली के लिए एप्लीकेशन दाखिल कर दी जाती है। अगर ऐसी स्थिति होती है
तो आप इसको देख सकते हैं, मैंने पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया। 125-3 का जैसे ही प्रार्थना पत्र जाता है न्यायालय में, न्यायालय क्या करती है, वसूली वारंट जारी करने के लिए एक नोटिस भेज देती है, लेकिन वो नोटिस पर कोई आपत्ति नहीं ली जाती और उसके बाद में डायरेक्ट पुलिस के लिए बोल दिया जाता है RW, यानी रिकवरी वारंट। पर रिकवरी वारंट के बारे में मैंने बता दिया है कि जब तक रिकवरी वारंट जारी नहीं किए जा सकते, जब तक इस RPC 421 का कॉम्प्लायंस ना किया जाए। और ये जो रिकवरी वारंट जो जारी किए जा रहे हैं, वसूली के लिए जो नोटिस भेजा जा रहा है, ये पुलिस के मार्फत भेजा जाए, लेकिन ये नोटिस कई लोगों को मिलता ही नहीं है, आपत्ति देने का मौका ही नहीं मिलता है। कोर्ट क्या करती है, RW जारी कर देती है रिकवरी वारंट। यहाँ पे क्या है कि रिकवरी वारंट जारी करने का प्रावधान जो पुलिस को जो दिया गया है कि भैया पुलिस जो है ना वो रिकवरी करके लेके आए, ये रिकवरी वारंट हम जारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे पुलिस को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो आपकी संपत्ति की कुर्की करके या नीलामी करके आपको 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 कोर्ट के समक्ष में लाए। रिकवरी वारंट का मतलब ये नहीं है कि पुलिस जाए अपनी पावर का मिसयूज करे और किसी को भी किसी की भी संपत्ति को कुड़ा कर ले या नीलाम कर दे। ये यहाँ पे प्रोसीजर जो है ना पुलिस को, क्योंकि राजस्व के मामले में अगर राजस्व से अगर ये वसूली करी जा रही है तो पुलिस को किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है कि वो जाके रिकवरी कर सके। दूसरी बात, अब बात आती है कि रिकवरी वारंट जारी हो गए उसके बाद निकाल देते हैं ARW, अरेस्ट और रिकवरी वारंट। ये मैंने पहली बार सुना। NW सुने हैं मैंने, BW सुने हैं, लेकिन ARW मेरे समझ में नहीं आया ये कौन सा प्रोसीजर है। इस पर हमने क्वेश्चन मार्क उठाया था न्यायालय में, लेकिन इसमें क्या है कि रिकवरी और अरेस्ट, मतलब अरेस्ट भी करके ना और रिकवरी भी करके ना, तो ये ना तो NBW है और ना ही BW, लेकिन फिर भी पुलिस क्या करती है कि पति पक्ष को लेके न्यायालय में सामने खड़ी खड़ा कर देती है, और न्यायालय क्या करती है, उसको जेल भेज देती है। अगर ऐसी प्रक्रिया आपके साथ में हुई है तो आप इसके खिलाफ में तुरंत एक्शन ले सकते हैं। ये जो जेल है पूरी तरीके से इलीगल प्रोसेस हो जाता है। कई जगह पे क्या होता है कि एफिडेविट में पत्नियां जो हैं वो गलत तथ्य लिख देती हैं, प्रॉपर्टी वगैरह सब गलत लिख देती हैं, और उस पर आदेश हो जाता है, कोई साक्षी नहीं है फिर भी वर्बली तरीके से। तो यहाँ पे हम उस एफिडेविट के आधार पर हम इसके खिलाफ में कार्रवाई कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। ये प्रक्रिया मैंने आपको पूरी बताई है, इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से आदेश किए जा रहे हैं, लोगों को ट्रैप किया जा रहा है, लड़कों को परेशान किया जा रहा है। RW के आदेश हो जाते हैं, यानी रिकवरी वारंट के आदेश हो जाते हैं, पुलिस पीछे पड़ जाती है, लोग सुसाइड करने तक को मजबूर हैं, परेशान हैं। अगर ऐसी स्थिति आप लोगों के सामने आ रही है और आप लोग अगर आगरा से हैं तो आप लोग हमसे मिल सकते हैं और कोशिश करेंगे कि आपको बचाया जाए, आपके परिवार को बचाया जाए।